कैसे कैसे सर बहुत नहीं था क्या होता क्या बताऊं यार। अभी तो नया नया जोड़ के इसलिए पता नहीं बता देता हूँ। मैंने अपने बहादुर सही शहर के सारे अपराधियों को जेल तक पहुँचाया है, लेकिन अभी भी दो ऐसे साथी और ऐसे बच्चे हुए हैं कि सालों का सबूत तो क्या उसको सुराग में नहीं मिल पाया है। कब कहाँ चोरी करे कुछ पता ही नहीं चलता। एक बार इन लोगों का सुराग मिल जाए साल का गर्दन पकड़ लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ बोलो। कैदी नंबर 420 फरार हो गया, जल्दी कुछ करो। या कैदी नंबर 420 भाग गया। क्या हुआ सर? एक मिनट यार। हेलो कमिश्नर सर। सर मैं ट्रांसफर कर दी सर। सर यार कहीं भेज दिए सर, लंदन अमेरिका कहीं भी चलेगा, 100-200 सालों के लिए भेज दिए सर। सर प्लीज सर, यहाँ मेरे जान की पड़ी, इसको प्रमोशन की पड़ी है। क्या होगा आपकी फटी पड़ी क्यों है? अरे क्या बताऊं यार लाल हवलदार, एक बहुत ही खूंखार कैदी जेल से भाग चुका है। आपने पकड़ा था? मैंने पकड़ा था, बहुत ही बहादुर से। वाह क्या खुशबू है। आज तो उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो क्या हुआ सर? एक ही कैदी भाग है ना, इतने टेंशन लेने की क्या जरूरत है, उसको पकड़ लेंगे। बेटा तुम नया नया जुड़े हुए इसे तो नहीं पता, वो साला इतना खूंखार कैदी है कि उससे पूरा पुलिस स्टेशन डरता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा तू भी। ठीक है सर मैं कुछ करता हूँ। जा बेटा, नया नया है इसलिए जोश चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे यह जोश भी ठंडा हो जाएगा, देखता हूँ क्या करता है तू भी। पुलिस फोर्स बुला लो, पूरा आर्मी बुला लो, जो करना पड़े करो जल्दी। ठीक है जल्दी करो। क्या सर एक कैदी के लिए इतना पुलिस फोर्स? अरे ये पुलिस फोर्स कैदी के लिए नहीं, वो मेरे सिक्योरिटी के लिए है, तुम नहीं समझोगे। क्या सर आपको इतनी बड़ी बड़ी है? तुम वो सब छोड़ो, ये कपड़े क्यों ले आए हो, यहाँ धोबी घर छोड़ लिया है? अल्लाह कहीं का। क्या सर इससे डर रहे हो? इससे डर रहे हो? इससे डर रहे हो? दरवाजा में ताला तो मार दिया है ना? मार दिया। एक और मार दो, सलामत साथ ही रहे। इसकी जरूरत नहीं है सर। बाप रे। पानी ला यार। अबे नालायक कर रहा हूँ उनके पट्टा। सॉरी सर। तू इन्हें क्या पानी मांगा मैं? जल्दी से लेके आ। सर एक ही गिलास बाकी था। सलाह दिल खराब है। निकल यहाँ से। यार लाल हवलदार तूने ये कैदी को पकड़ा हुआ तो ठीक है, बट तूने ये किया कैसे? सर बात ऐसा है, जेल से फरार होने के बाद मैंने उसका पीछा किया। आसमान में रहूंगा कितने दिन बाद फरार हुआ हूँ।
यार इतना ठंडा पानी आ रहा भाई जोगेंद्र, कोई बात नहीं नहा देगा। ए छोरे ए कपड़े दे मेरे बे। वाह यार लाल हवलदार, तुम तो कमाल के निकले यार। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। क्या हुआ सर, आदमी पर हमला है? एक से टेंशन है यार। बात ऐसा है कि वो जो दो चोरों के बारे में बता रहा था ना, मतलब चोर को भी केस। अरे वो चोरों के बारे में बता रहा हूँ, उनसे कोई भी तिजोरी बचा नहीं आज तक। शहर के सारे लोग परेशान है उससे, पता नहीं कब किसके घर चोरी करे, किसी को पता नहीं चलता। सर ये समझ में आ रहा इन चोरों को पकड़ कैसे? सर आप ऐसे बात करें, कितना बड़ा सातिर चोर है वो लोग। बहुत ही सातिर, तुम नहीं जानते वाले। तो इतने सातिर चोर है कि उनको बताता हूँ। जब शहर के लोग सो रहे होते हैं तब ये दोनों जाग रहे होते हैं, और जिसके घर में चोरी करते हैं उसे पता चले बगैर वहां से चोरी करके फरार भी हो जाते हैं। सर आप टेंशन मत लीजिए, इन चोरों को आज रात तक मैं पकड़ लूंगा, वो भी बिना दौड़ धूप किए हुए। अरे यार कुछ चूहा पकड़ने का काम रहता समझ लेते, तेरे बात मान भी लेते, लेकिन वो सातिर चोर है, वो कब कहाँ चोरी करे किसी को कुछ पता नहीं चलता। हवलदार महाराज आप उस कैदी को पकड़ लाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े तीसमार खां होंगे, समझे? ये बच्चों का काम नहीं, मेरे जैसे बिगर बहादुर का काम है, समझा? दो दिन का वक्त दीजिए, दो दिन का, दो दिन के अंदर वो चोर आपके सामने होगा। जा जा, खुद को बहुत बड़े तीसमार खां समझ रहे, ये काम तो मेरे जैसे शेर से ही होगा। अरे लाल हवलदार, कल तो बड़ा लंबा लंबा ढीक मार रहा था, क्या बच्चों को कुछ पता चला भी या नहीं? मैंने कहा था बच्चों का खेल नहीं है। चलिए सर आपको पकड़ा दिया। पकड़ा गया? कहाँ पकड़ा गया? चलिए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। माल पिएंगे, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मंगरी कर भाटी में माल पिएंगे, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, माल संगे चखना और बीड़ी पिएंगे, जहाँ जहाँ मेरा वही हम डेरा, मंगरी कर भाटी में डेरा सा। जैसे देखो हम लोगों का एक बटन में दरवाजा खुल गया। वही ना अरे भाई, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सर कोई नहीं हिल रहा, आप ही हिल रहे हैं। हैंड्स अप। देखा सर इन लोगों की चालाकी कैसे इन लोगों को उल्लू बनाया। चालाकी तो तेरा देखा मैंने। पर लो इसे जेल में डालो। चलो चलो चलो। अरे लाल हवलदार, पकड़ने में तो मजा आ गया, लेकिन तुमने ये किया कैसे? सब बता दूं सर, आइए सर। सर शहर की जितने भी तिजोरियां हैं उसके सामने मैंने ट्रांसमीटर फिट किया था, और उसके बगल में यह लिख दिया था कि आज हम सर का चूलिया भुगतान दावत है शाम को पहुंचाना। क्या पढ़ रहा है, कहां लिखा हुआ है, सही है क्या? हां बिल्कुल, यहां पर दूसरा चीज लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि आपसे कोई तिजोरी तोड़ने से बची नहीं है, इसलिए कृपया आप तिजोरी को ना तोड़े, बल्कि ये लाल बटन दबा दीजिए, तिजोरी अपने आप खुल जाएगी और पहले गाना बजेगा। और जैसे उन्होंने लाल बटन दबाया, सैरन हमारे घड़ी में बज गया। वो यार तुम तो बहुत ही कमाल के निकले यार, तुम्हें सब काम करके मजा ही आ गया। आज हाथ मिला, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले, पर मेरे से कम, मेरे सब रहते तो सीख जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। हेलो गाइस।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और घंटा दबाना ना भूलिएगा।